पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉक्टर सेठी को और उनकी टीम को फॉर दिस अमेजिंग क्लिनिक जो उन्होंने शुरू किया है, यूजेनिक्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर. और आई वॉन्ट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. ये पहला सेंटर उनका होगा मुंबई में और मुझे पूरा यकीन है कि इट विल फ्लरिश हियर. आई थिंक दिस इज मच नीडेड इन मुंबई एंड द एक्सपर्टीज विल रियली गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विद प्रॉब्लम्स विद हेयर. वेल, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब इन्होंने ये बताया कि ये बॉम्बे में खोल रहे हैं और इनके बारे में हमने पहले भी सुना था, एक कॉमन फ्रेंड है उनके ज़रिए, तो और इनकी तारीफ बहुत सुनी थी, तो मुझे लगता है कि आज जो माहौल में हम सभी बात करें कि बॉम्बे में हर कोई लुक्स को लेके बहुत सोचता है, यू नो, अगर अगर ऐसा मौका मिले तो क्यों ना हम यहाँ पे आएँ. और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे आएँ और इनका साथ दें. और हम आशा यही करते हैं कि और सब दोनों हम यही चाहते हैं कि जो भी किसी भी प्रॉब्लम है बालों को लेके, तो यहाँ पे आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ सकते हैं. बालों का झरना हम रोक नहीं सकते. आई डू नॉट नो डॉक्टर, यू हैव सम सोल्यूशन, क्योंकि हम तो वाकई में नहीं रोक सकते. अगर कितना भी क्लीन रखे, हेल्दी खाए, फिर भी मुझे लगता है स्ट्रेस फैक्टर इज वन मेजर दिस थिंग, कि हमें स्ट्रेस में, स्ट्रेस मतलब इतना दुख भी नहीं एक्चुअली देखा जाए. स्ट्रेस इज जल्दी जाना है, वहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए, हे भगवान उसका फ़ोन क्यों नहीं आया. दीज आर द सिंपल स्ट्रेसेस इन आवर लाइफ और जिसके कारण हम लोग हमारे बाल निकल जा रहे हैं. और प्लस चेंज ऑफ हवा पानी, बॉम्बे आ गई, इतने बाल झड़ गए बिकॉज बॉम्बे का वेदर इनिशियली सूट नहीं हुआ, फिर ठीक हो गया. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स आप कोई अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बाल दोबारा उगा जरूर सकते हो. हियर इज द सोल्यूशन. अच्छा.